तो गाइस जितने भी एक्स बुक्स गेम पास यूज़र है या फिर जितने भी एक्स बुक्स कंसोल यूज़र है उनके लिए जो है एक काफ़ी बड़ी जो है बैड न्यूज़ आ चुकी है। तो यहाँ पर जो है फाइनली एक्स बुक्स गेम पास के प्राइसेस जो है बढ़ चुके हैं। गेम पास अल्टीमेट हो, पीसी गेम पास हो, और यहाँ पर जो है गेम पास कंसोल में तो जो है एक काफ़ी बड़ा चेंज भी हो चुका है। तो क्या यहाँ पर जो है चेंजेस हुए हैं, कितने प्राइजेस बढ़े हैं और टैक्स को मिला के आपको कितना पे करना पड़ेगा पर मंथ के हिसाब से, वो सारी की सारी बातें जो है हम आज इसी वीडियो में करेंगे और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। प्लस जैसे ही ये प्राइस इंक्रीज अनाउंस हुआ तो काफ़ी सारे लोग, भाई ऑलमोस्ट सारे लोग जो है ये मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई अब जो है क्या रास्ता है, अभी हमें जो है चीप प्राइस में गेम पास चाहिए, कहाँ से हम बाय करें, क्या बेस्ट ऑफर है। तो आपको जो है बिल्कुल जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज इस वीडियो में आपको जो है बेस्ट पॉसिबल लोवेस्ट प्राइस पे जो है गेम पास कहाँ से बाई करना है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। एंड गाइस जेन्यूनली जो है आपको काफ़ी चीप प्राइस में जो है गेम पास मिलेगा, राइट। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं भाई कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं गेम पास में, कितनी प्राइस बढ़ी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर से कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। बाकी एक्सबुक्स रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए नीचे कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है मोर एक्सबुक्स वीडियोस करके, आप चाहे तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो गाइस। देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से आपको जो है गेम पास को लोएस्ट प्राइस पे बाई करना है, और सेकंड जो है हम ये डिस्कस करेंगे कि गेम पास में आखिर में चेंजेस क्या हुए हैं। एक और नया गेम पास आ रहा है, क्या उसमें चेंजेस हुआ है, क्या प्राइस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी नए गेम पास में या फिर नए यूज़र के लिए, और टैक्स को मिला के आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को जो है कम्प्लीटली जो है आप देखो और आपको जो है आइडिया लग जाएगा कि कितना प्राइस बढ़ा है और क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और हाँ कहाँ से जो है चीप प्राइस में गेम पास को बाय करना है आज के टाइम में। तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि कहाँ से अब बाय करें। तो देखो बिल्कुल ही सिंपल है, आपको जो है विजिट करना है thegamekeys.in साइट पर। thegamekeys.in साइट का लिंक, हर एक गेम पास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी चैनल पे जो है 5 से 7 वीडियोस अवेलेबल है कि कैसे आपको बाय करना है, कैसे आपको रिडीम करना है गेम पास को, और कितने प्राइस पे आपको जो है देखने के लिए मिलता है। फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे ही आप जो है thegamekeys.in साइट को ओपन करोगे, यहाँ पर आप साइट पे स्क्रीन पे भी देख सकते हो, यहाँ पर आपको जो है एक्सबुक्स गेम पास वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पर आपको 1 महीना, 3 महीना, 5 महीने, 10 महीने, 13 महीने और 18 महीने के भी ऑप्शन है गेम पास अल्टीमेट के, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। और काफ़ी सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स भी हैं जिन्होंने 18 महीने का गेम पास जो है thegamekeys.in साइट से रिसेंटली ही परचेस किया है, उनके भी जो है काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं जिन्होंने बाय किया है ऑलरेडी कि भाई हम तो जो है अभी 18 महीने तक भाई खुश है, हमारा गेम पास का ना तो प्राइस बढ़ेगा, हमें जो है काफ़ी चीप प्राइस में मिल चुका है। यहाँ पर अगर हम 18 महीने की गेम पास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप साइड में कैलकुलेशन देख सकते हो, भाई आपको जो है 269 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से गेम पास अल्टीमेट देखने के लिए मिल रहा है आज के टाइम में। जहां पर एक्सबुक्स से अगर आप ऑफिशियली बाय करते हो भाई तो कितना प्राइस बढ़ा है, 829 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, वो भी विदाउट टैक्स। उसके बारे में भी जो है हम आगे वीडियो में ही बात करेंगे, लेकिन भाई गेम कीज पे आज के टाइम पे भी आपको जो है वैल्यू फॉर मनी गेम पास वो भी काफ़ी लोवेस्ट प्राइस पे देखने के लिए मिल रहा है। और काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं भाई कि कूपन कोड दे दो, कूपन कोड दे दो। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, कूपन कोड जो है अभी वर्क नहीं कर रहे हैं कोई भी, और कूपन कोड जो होते हैं वो एक लिमिटेड टाइम के लिए ही होते हैं, जो कि मैंने आखिर 2-3 वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। तो आप जो है 5-7% के पीछे जो है आप मत भागिए, अभी जो है आप गेम पास जब तक स्टॉक अवेलेबल है आप बाय कर लीजिए, क्योंकि एक्सबुक्स पे आपको प्राइस इंक्रीज देखने मिला है तो thegamekeys.in साइट पे भी प्राइस इंक्रीज होगा। बट यहाँ पर आपके पास एक काफ़ी अच्छा टाइम है, जहाँ तक स्टॉक अवेलेबल है आप बाय कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर तो हो गई भाई कि गेम पास अल्टीमेट की बात, आपको जो है पीसी गेम पास, गेम पास कंसोल, गेम पास कोर, ये सारे के सारे गेम पास भी जो है काफ़ी चीप प्राइस में देखने के लिए मिल जाएंगे thegamekeys.in साइट पे। अब बात कर लेते हैं कि गेम पास के कितने प्राइस बढ़े हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर जो है कुछ टाइम पहले अनाउंस हुआ था तो एक्सबुक्स की ऑफिशियल साइट पे आपको कहीं पर देखने के लिए नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज के टाइम में, मैंने जैसे ही सुबह उठ के चेक किया तो यहाँ पर जो है नया प्राइस आ चुका था, यानी कि जो नए यूज़र है उनको अब पर मंथ गेम पास अल्टीमेट के पे करने हैं 829 रुपीज़, ऑलमोस्ट
जो है 280 रुपये गेम पास अल्टीमेट में बढ़ चुके हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ा प्राइस हाइक है आज के टाइम में, इतना प्राइस हाइक। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इससे जो है मुझे लगता है कि जो गेम पास यूज़र है, जो एक्सबॉक्स के यूज़र है, वो लोग कहीं ना कहीं स्विच भी कर सकते हैं प्ले स्टेशन की तरफ भी, क्योंकि इतना ज़्यादा प्राइस हाइक मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर प्राइस बढ़ा दिया है। मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि 50 to 70 या 80 रुपीज़ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपीज़ भी अगर बढ़ाते तो ये एक जो है काफ़ी अच्छा प्राइस इंक्रीज़ होगा, अगर क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी की गेम्स आपको धीरे धीरे देखने मिलेगी। लेकिन 280 रुपीज़ यहाँ पर जो है बिल्कुल गलत चीज़ है। और उसी के साथ में ये जो प्राइस आपको देखने मिल रही है वो तो भाई विदाउट टैक्स है। अगर आपको प्रॉपर मैं अगर प्राइस बताऊं विथ टैक्स, तो आपको पर मंथ के हिसाब से, यहाँ पर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, मैंने एक ट्राई भी किया था कि कितने में पड़ रहा है भाई अभी, तो 978 रुपीज़, ऑलमोस्ट जो है 980 रुपीज़ में आपको गेम पास अल्टीमेट अब देखने मिलेगा भाई। ऑलमोस्ट जो है प्राइस डबल हो चुकी है, डबल। पहले आपको 549 प्लस उसमें अगर टैक्स को मिला देते तो 650 रुपीज़ में आपको देखने मिलता था, और अब जो है कहीं ना कहीं भाई 1000 रुपये डबल प्राइस यहां पर कहीं ना कहीं आपको देखने मिल रही है। और उसी के साथ अगर गेम पास की बात करें तो क्या चेंज हुए, तो गेम पास अल्टीमेट में कोई चेंज नहीं है। जो भी अभी आप गेम पास अल्टीमेट देख रहे थे वही गेम पास है, वही ऑफर्स है, वही सब कुछ है। फ़र्क क्या है, गेम पास अल्टीमेट में आपको जो है कॉल ऑफ ड्यूटी की गेम्स देखने मिलेगी, बस सिंपल रीज़न, राइट। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम दूसरे प्राइस हाइक की बात करें तो यहाँ पर जो पीसी गेम पास था उसका भी प्राइस 100 रुपीज़ इंक्रीज़ हो चुका है। पीसी वाला गेम पास अगर आपने पहले देखा हो तो 349 रुपीज़ प्लस जो भी आपका एप्लीकेबल टैक्स रहता था उसके हिसाब से आपको देखने मिलता था, लेकिन यहाँ पर विदाउट टैक्स भी जो है 449 यानी कि 100 रुपीज़ जो है बढ़ चुके हैं। उसमें क्या चेंजेस है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, वही सेम गेम पास, कोई चेंजेस नहीं। लेकिन आखिर में चेंजेस गेम पास में हुआ कहाँ है, तो देखो आपको पता हो तो गेम पास कंसोल आता था, वो गेम पास कंसोल जो है अभी कम्प्लीटली बंद हो चुका है। उसकी जगह पर नया गेम पास आने वाला है जिसका नाम है गेम पास स्टैंडर्ड। यहाँ पर जो है गेम पास स्टैंडर्ड आप जो है कंसोल के लिए ले सकते हो। उसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है, देखो उसका पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्राइस जो है अभी भी अनाउंस नहीं हुआ है, हो सकता है कि प्लस माइनस पीसी गेम पास जो है उसके आसपास कहीं पर प्राइस रहने वाला है, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा या फिर थोड़ा सा कम। चेंजेस कहाँ हुए हैं, तो पहले आपको गेम पास कंसोल में जो ऑनलाइन कंसोल एंड मल्टीप्लेयर गेम्स का जो सपोर्ट मिलता था, जो कंसोल में आपको मल्टीप्लेयर खेलने के लिए या तो आपको गेम पास अल्टीमेट लेना पड़ता था या फिर गेम पास कोर लेना पड़ता था, वो अब यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जब भी ये गेम पास स्टैंडर्ड अवेलेबल होगा, अगर आपके पास कंसोल है तो आप गेम पास स्टैंडर्ड जो है आप ले सकते हो। उसके साथ ही जो है आप कोई भी पेड गेम है उसका ऑनलाइन एंड मल्टीप्लेयर मोड खेल सकते हो बिना गेम पास अल्टीमेट के। प्लस उसमें क्या चेंज हुए हैं, तो एक मेजर चेंज हुआ है भाई, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ ऐड की गई है तो कुछ चीज़ निकाली भी गई है। तो अगर आपके पास गेम पास स्टैंडर्ड होगा फॉर एग्जांपल आने वाले टाइम में, तो जो भी गेम डे वन पे रिलीज़ होगी वो गेम आपको गेम पास स्टैंडर्ड में देखने के लिए नहीं मिलेगी, जो कि एक बड़ा ही नेगेटिव पॉइंट भी है यहाँ पर। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और हम मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए एंजॉय।